दोस्तों, अगर आप भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो लेकिन आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूं, अच्छी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के रूप में वर्क करूं, तो आज आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं स्टेप टू स्टेप भी एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट को अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही बात रहती है भी केवल टेली सॉफ्टवेयर सीखने से, बीजी सॉफ्टवेयर सीखने से या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से हमें अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनसु थार स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले किसकी शुरुआत करनी चाहिए, कब आपको टेली सीखने की ज़रूरत है और टेली सीखने से पहले आपको और कुछ बहुत सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली, बीजी, फैटैक्स, मार्क, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए चाहे वो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट है चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है भी सबसे पहले गोल्डन रूल्स यानी कि अकाउंट के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उनके बारे में उन्हें प्रैक्टिकली जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने किसी इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लेते हैं और जाते ही उन्होंने फर्स्ट डे से ही वो किसी सॉफ्टवेयर में वर्क करना शुरू कर देते हैं बिना किसी मैनुअल प्रैक्टिस के, तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर एक की बात अगर हम करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंट्स गोल्डन रूल यानी कि हमें अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल होते हैं भी हमें पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, कौन कौन से लेजर है जो रियल अकाउंट में कवर होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या बातें होती है, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से लेजर कवर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर कब डेबिट होता है, कौन सा लेजर कब क्रेडिट होता है, तो ये सब कुछ नॉलेज हमें प्रैक्टिकल तरीके से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कॉमर्शियल के स्टूडेंट में 11th क्लास में या 12th क्लास में ये सब कुछ पढ़ा होता है अकाउंट्स की बुक में, लेकिन नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट ने ये कुछ पढ़ा नहीं होता, तो इसलिए नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब रियल बिजनेस अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये सब बातें कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही होती है और नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही बातें स्टार्टिंग इनके जो रूल हैं स्टार्ट होते हैं। यानी कि आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की जो परिभाषा है ये अच्छी तरीके से आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो बिफोर कंप्यूटर अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग नॉलेज मस्ट फुल प्रैक्टिस। यानी कि बहुत सारे, अभी मैंने बताया था, अभी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने स्टूडेंट को जाते फर्स्ट डे से ही सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करवाना शुरू करवा देते हैं एज पर बुक्स, लेकिन आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने से पहले यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, टेली, बीजी, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी बिजनेस के ओरिजिनल वाउचर्स के साथ। तो दोस्तों, प्रैक्टिस भी आप दो तरीके से करते हैं, एक तो जैसा कि रूटीन में जैसे इस तरीके की वर्डिंग लिख ली भी राम ट्रेडिंग कंपनी से 5,000 रुपये का सामान खरीदा या राम को 2,000 रुपये का सामान बेचा, एक होती है ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप की एंट्री है जिसके अंदर केवल एक लेजर डेबिट होता है और एक लेजर क्रेडिट होता है। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, जब भी आप किसी रियल बिजनेस में अकाउंटिंग मेंटेन करने जाओगे तो आपको इस तरीके की वर्डिंग लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, अगर आपको जो भी मिलेगा तो आपको इस तरीके के अकाउंटिंग वाउचर ही मिलेंगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है इन वाउचर्स के साथ, इन पेपर वर्क के साथ, इन्हें आपको कंप्यूटराइज करना पड़ता है। अगर आपके पास ये मैनुअल बिल बुक है या मैनुअल बिल आपके पास में आते हैं, आपको इसे कंप्यूटराइज करना पड़े, तो सबसे पहले आपको इस वाउचर्स की कहानी पता होनी चाहिए भी इस लेजर, इस वाउचर में से कितने लेजर डेबिट होंगे, कितने लेजर आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे, कौन सा लेजर पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, कौन सा लेजर नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट है और कौन सा लेजर रियल अकाउंट का पार्ट है। ये जानकारी आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो दोस्तों केवल टेली सीखने से आप सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो जरूर ले लोगे, लेकिन अकाउंटिंग का नॉलेज आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपको अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले। तो दोस्तों दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि राम ट्रेडिंग कंपनी से सामान खरीदा, इसमें सामान जैसे गुड्स हमारे बिजनेस में आया तो गुड्स को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को यानी कि राम ट्रेडिंग कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि एक लेजर डेबिट हुआ और एक लेजर है जो क्रेडिट हुआ। लेकिन वाउचर में ऐसा नहीं होता, वाउचर में कोई फिक्स नहीं होता भी एक लेजर डेबिट होगा या एक ही लेजर क्रेडिट होएगा। इसमें से 5 लेजर क्रेडिट हो सकते हैं, एक लेजर डेबिट हो जाएगा, या 5 लेजर डेबिट होंगे एक लेजर क्रेडिट हो सकता है, तो 5 क्रेडिट भी हो सकते हैं एक डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं उस वाउचर पे, वाउचर में कितने लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको मैं बारी बारी बता रहा हूँ, आपको गोल्डन रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और जब भी आप मैनुअल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करो तो बिजनेस के ओरिजिनल जो रियल वाउचर होते हैं, जो किसी बिजनेस पे जाके हम देखते हैं उनके फाइलों में जो कागज जो लगे होते हैं, उन कागजों से प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। आपको हर टाइप के इसी तरीके के वाउचर मिलते हैं सारे, और आपको इन्हीं वाउचर्स को देख के पहचान करनी होती है। उसके बाद में पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वी फाइनलाइजेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रेडी बाई सेल, यानी कि आपको जो भी बुक्स का जो फाइनल डाटा होता है, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन चार्ट किस तरीके से बनता है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, इनका नॉलेज आपको बाई हैंड यानी कि मैनुअली अकाउंटिंग से आपने ये सब कुछ मैनुअल रूप से बनाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक बना ही देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां भी अगर हो जाएगी, अगर आपने मैनुअल रूप से प्रैक्टिस इसकी करी होगी तो आप उस गलती को पकड़ लोगे। अदरवाइज आपको इसका मैनुअली नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और आप 100% इस सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठे हो तो आपको नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर अगर 5 की बात करें, यानी कि आपको जो अकाउंटिंग जो सीखनी पड़ती है मैनुअल अकाउंटिंग, वो आपको इंग्लिश मोड में भी आनी चाहिए और हिंदी वाली भी आनी चाहिए, जिसे कि हम मार्जिनी पद्धति भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश वाली जो बुक्स होती है वो जैसे 11th क्लास या 12th क्लास या जो कॉमर्स के स्टूडेंट को जो स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है, और हिंदी की जो रियल बिजनेस में यूज होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे व्यापारी लोग देखे होंगे जिनके पास रेड कलर्स की जो बही होती है और उन बही के अंदर वो वर्डिंग लिखते हैं हिंदी वाली, जिसे मार्जिनी पद्धति बोलते हैं। तो आपको जो मैनुअली नॉलेज है वो इन दोनों बुक्स का होना चाहिए, भी इंग्लिश की जो डे बुक है, जनरल एंट्री है किस तरीके से बनती है, और उसी वाउचर्स को हम अगर हिंदी में अगर हमें कोई इसकी मार्जिनी पद्धति में बुक्स बनाने को दे दी जाए तो हम उसमें किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें अगर प्रैक्टिकली रूप से मेंटेन करनी आती है तो हमें अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास केवल सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपको सॉफ्टवेयर ही चलाना आता है, लेकिन आपने रियल वाउचर्स के साथ प्रैक्टिस आपने कहीं नहीं करी, तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ से आपको ये बात पूछी जाएगी भी आपने कहीं पर अकाउंटिंग का नॉलेज वर्क करके देखा है या नहीं देखा, लेकिन आपके पास केवल सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज है। तो इसलिए आपको ये सारी बातें आपको मैंने स्टेप टू स्टेप बताई है भी। सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स का पता होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों ये सब कुछ स्टेप टू स्टेप आपको इसी चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे भी, गोल्डन रूल्स क्या होता है और कंप्यूटर अकाउंट से पहले मैनुअल अकाउंटिंग सीखना क्यों जरूरी होता है, और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन और ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है मैनुअल रूप से, तो ये सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ था एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट को अकाउंटेंट बनने की शुरुआत के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर भी कर रहा हूँ, आप जिस इंस्टीट्यूट में भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप स्टार्टिंग पे ही फर्स्ट डे से ही आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके माइंड में भी यही बात रहती है हमें केवल टेली सीखना है, हम टेली सीख के ही अकाउंटिंग की जॉब करना शुरू कर देंगे। तो ये बात जितना जल्दी हो उसके माइंड से स्किप कर दीजिए, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रही बात अब इसमें हमें कितना टाइम देना पड़ेगा अकाउंटिंग का, अकाउंटेंट का कोर्स सीखने के लिए, तो दोस्तों वैसे तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है,
लेकिन मैं आपको फिर भी मिनिमम टाइम आपको बता देता हूँ, मिनिमम टाइम आपको किसी आप प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में अगर आप वर्क सीखते हो भी जहाँ पे आपको सारा 100% प्रैक्टिकली अकाउंटिंग वर्क सिखाया जाता हो, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 4 से 5 महीने तक आपको देने पड़ सकते हैं। यानी कि 4 से 5 महीने में आपका बेस है जो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो अकाउंटिंग के जो नियम होते हैं, टैक्सेशन के जो नियम होते हैं, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, वो टाइम के टाइम अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन अकाउंट की जो परिभाषा है वो कभी चेंज नहीं होगी। यानी कि कौन सा लेजर आज जो लेजर डेबिट हो रहा है वो हमेशा डेबिट ही रहता है, जो क्रेडिट है ये क्रेडिट रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पर। पर्सनल अकाउंट होते हैं, जो पर्सनल अकाउंट डेबिट भी होते हैं तो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में, जो इस चैनल पर आपके जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनमें सब जानकारी मिल जाएगी, तो आप उनको एक बार जरूर देखें। तो जो अगर इसके मैक्सिमम टाइम की बात करें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना लग सकता है, तो इसका कोई एंड नहीं है। यानी कि जो बातें सीखने वाली होती है, जो वर्क सीखने वाला होता है, उस पर चीज सारी ज़िंदगी लगा दें तो भी 100% कोई भी नहीं सीख पाता, लेकिन एक बेस बनाने के लिए जो मिनिमम जो टाइम होता है स्पेशल अकाउंट के लिए, वो आप मैंने बता दिया भी कम से कम 4 से 6 महीने के बीच बीच में आपको टाइम लगता है। और ये भी सीखने वाले पे डिपेंड करते हैं भी उसकी जो सीखने की पावर है वो कितनी अच्छी है। अगर अच्छी पावर वाला होता है तो वो थोड़ा सा जल्दी से सीख जाता है, लेकिन जिसके धीरे धीरे समझ में आता है उसका, उसको 5 के बजाय 6 महीने भी लग सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो जो टैक्सेशन के रूल होते हैं वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई करती रहती है, यानी कि रूल है थोड़ा बहुत अपडेट ऊपर नीचे चेंजिंग उसमें होती रहती है, लेकिन जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है वो वही रहते हैं, उसमें किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं होती। और बात करें हम टेली सॉफ्टवेयर की या विजी सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों शुरुआत आप से किसी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छी तरीके से होना कंपलसरी है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो टेली से शुरुआत करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो विजी सॉफ्टवेयर से शुरुआत करवाते हैं, या अपने अपने लेवल के या अपने अपने एरिए के अनुसार वो सॉफ्टवेयर की शुरुआत कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे टेली ज़्यादा चलता है, कहीं ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बिजी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जहाँ पे मार्ग वगैरह जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो यूज होते हैं। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनकी स्पेशल एक रिक्वायरमेंट भी होती है, हमें भी केवल टेली सॉफ्टवेयर सीखना है या बिजी सीखना है या मार्ग वगैरह या कोई भी फैटेक सॉफ्टवेयर जैसा जो रूटीन में चलते हैं उनके एरिए में, उसी के अकॉर्डिंग वो रिकमेंड करते हैं किसी इंस्टीट्यूट पर जाके। लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने से पहले आपको अकाउंटिंग का जो नॉलेज है विद वाउचर्स के साथ, ओरिजिनल वाउचर के साथ, वो आपको होना कंपलसरी है। यानी कि हर वाउचर्स की जनरल एंट्री आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए भी इस वाउचर में ये लेज़र डेबिट होंगे और ये लेज़र क्रेडिट होंगे, और इनकी जो बुक्स में एंट्री इस तरीके से होनी है, और लेज़र में इसकी एंट्री इस तरीके से पोस्टिंग होनी है, और इतने लेज़र इस वाउचर में से हमें बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये बातें सब कुछ आपको अच्छी तरीके से आती है तो सॉफ्टवेयर आपके सामने कोई मायने नहीं रखता, सॉफ्टवेयर आपको चाहे कोई भी दे दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको कोई भी मिल सकता है, कहीं भी कैसा भी सॉफ्टवेयर मिल सकता है। तो आप केवल पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागिए, हमें केवल टेली सॉफ्टवेयर सीखने से जो मिलेगी या बीजी सॉफ्टवेयर सीखने से जो मिलेगी सॉफ्टवेयर आपके, आप सपोज करो टेली आपने सीखी लेकिन आपने जहाँ पे भी वर्क करना शुरू किया ले वहाँ पर आपको टेली सॉफ्टवेयर नहीं मिला, तो आप सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागिए, हो सकता है सॉफ्टवेयर आपका चेंज भी हो सकता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छी तरीके से है तो आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना।